Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. This is Samir and you are watching MSQ Vlog. So guys, हम लोग हैं डोरा गोट फार्मिंग पे. हमारे साथ हैं नदीम भाई और आज जो है इनका सेकेंड वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं. लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि इनकी केज का काम हो रहा था, तो इन्होंने पलाई वगैरह का कुछ भी रेट वगैरह नहीं बताया था. आज माशाल्लाह रेट भी बताएंगे और रेट के साथ एक ऑफ़र है पलाई वालों के लिए, पलाई के बकरों के लिए, वो भी बताएंगे. ठीक है, तो वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें. वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें. शूट के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा. मेल या डीएम करके आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर नदीम भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, पीछे बोर्ड पर भी आपको दिख रहा है, आप लोग इनसे भी मेरा नंबर ले सकते हो. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम समीर भाई, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई. क्या चल रहा है? लास्ट वीडियो हम लोगों ने शूट की थी, हाँ. उसके जब वीडियो आई तो कुछ कॉल्स वगैरह आए, क्योंकि आपने रेट तो बताए नहीं थे. रेट्स अपन ने ओपन नहीं किए थे समीर भाई. रीज़न ये था कि अपन कंप्लीट करने के बाद में फिर कैसा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करना था अपने को, सही है. तो अपन ने वो किए और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस आया अपने को. तीन चार जैसे अपन ने बोले थे कि कस्टमर्स का अपन वीडियो डेटा बनाएंगे, तो हमने डेटा बनाया. वो तीन चार कस्टमर्स के अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपने फार्म पे वो बकरे आ चुके. ठीक है, तो अभी हमारा जो है पूरा केज का काम कम्प्लीट हो चुका है जी. तो हम लोग केज भी दिखाएंगे प्लस पलाई के रेट्स भी बताएंगे और इसके साथ एक स्कीम हम लोग दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं इंशाल्लाह जी, जी वो भी हम लोग दिखाएंगे. लेकिन ऑफर जो होगा वो लास्ट में एंड बताएंगे इंशाल्लाह. तो नदीम भाई अपन अंदर चलते हैं और कुछ केजेस भी जो आपके रेडी हो गए वो दिखाएंगे. केजेस भी दिखाएंगे भाई और आज अपने यहाँ पे खास खास लोग आए, इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात करेंगे. माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे वाह. ये आज अपनी जो अपने मोहब्बती लोग है, खास खास लोग है, वो आए हैं. माशाल्लाह अशरफ भाई है हमारे ओनर है, मतलब ये फार्म के ओनर जो है, जो लैंड ओनर है अपने नियाज. अच्छा, अंकल वो नियाज अंकल ओके. ये हमारे दोनों भाई लोग हैं, ये वो वेल्डर है हाँ, जिसने ये केजीस का जादू किया है. ओके ओके ओके. आजम भाई जो है, नमीर भाई है अपने, नमीर भाई है, फिरोज भाई है, मुजीब भाई है, मुजीब भाई है, ठीक है, इखलाक भाई है, आबिद भाई हमारे साथ में आए हैं माशाल्लाह. अशरफ भाई एक फार्म का टूर देते हैं, फिर कुछ बातें करेंगे, एक फीडबैक लूंगा मैं आप लोगों से इंशाल्लाह, है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे. नदीम भाई भाई माशाल्लाह फार्म में एंटर करने से पहले ही दो नायाब क्या वीडियो चीजें आपने तो निकाले. हाँ मतलब बकरा पिछली बार अपन ने बकरा एक भी शो नहीं किया था ना, थोड़ा सा शो करने में थोड़ा अपने व्यूअर्स को भी मजा आएगा भाई. बकरे दिखाओ तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है. नदीम भाई जी भाई माशाल्लाह क्या चीज़ है ये बकरे. अपन सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं कि अपन बेचने वाले, बेचने का भी कोई विचार है भाई? अच्छा मतलब कोई मोहब्बती आदमी अपने को मिलेगा जो इसकी कदर जाने, इंशाल्लाह दे भी देंगे. सही है, तो फिर इसकी डिटेल वगैरह भी जरा हम लोग शेयर कर देते. डिटेल तो भाई ऐसी है कि तो पतीरा है, शॉर्ट टाइट नहीं रहता है, दांतों में पूरा है ये और वजन में 85 प्लस आएगा. माशाल्लाह चीज़ बहुत प्यारी है भाई, बहुत अच्छे. एक बकरा वहाँ पे भी है. ये समीर भाई अपना एकदम पाला हुआ बच्चा है, ये अपने पास तकरीबन मैं समझता हूँ 20-22 किलो पे आया था. हाँ इसकी तैयारी देखो आप, क्या चीज़ है ये भी. कितने दांत पे ये? चौथा दांत निकाला समीर भाई. सही है, हाइट में समझता हूँ इसकी 39 प्लस आनी चाहिए. बहुत अच्छी हाइट का बकरा है ये, देखो दोनों ही एकदम बेहतरीन खूबसूरत. तो नदीम भाई ये दोनों बकरे देने हैं अपने को? दे देंगे भाई. लेकिन क्या प्राइस वगैरह क्या कोट कर रहे हैं समीर भाई? इसका जो भी रहेगा अपन इंशाल्लाह पर्सनल में देंगे दोनों बकरों का प्राइस. जी 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 भाई. लेकिन प्राइस कैसा रहने वाला है? प्राइस भाई जैसी क्वालिटी है वैसा प्राइस रहेगा, पैसा रहेगा इंशाल्लाह. चीज़ देखो गाइस आप लोग, ठीक है. अभी हम लोग बकरे तो आपको दिखा दिए, ओहो फार्म का एक पूरा टूर करवाएंगे और फिर पलाई वगैरह डिस्कस करेंगे. ये बकरों में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो इनसे कॉल करके बात करें, जो भी डिटेल रहेगी आपको कॉल पे बता दी जाएगी, ठीक है. नदीम भाई आ जाओ, केज दिखाते हैं हम लोग लोगों को. समीर भाई ये और ये अभी अपन ने जो दो बकरे दिखाए उनका केज है तो एम्प्टी है. सही है, नहीं तो लगे. ये दो बकरे जो फर्स्ट केज के, यही दोनों बकरे बाहर हैं, है ना? बाकी बकरे तो एक लाइन तो पूरी फुल हो गई. फुल फुल अल्हम्दुलिल्लाह भाई, दुआ है तुम्हारी मोहब्बत है. क्या बात है माशाल्लाह, और सबके सब बकरे अच्छे हैं यार. नदीम भाई ये तीनों सोजत है समीर भाई. हाँ
ये कोटा है, ओहो ये भी कोटा है, ये एक मालवा बच्चा है, ये भी माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत कोटा माशाल्लाह, ये देखो ये भी कोटा, कोटा ये भी कोटा है, ऑलमोस्ट सब कोटे इसके अंदर समीर भाई, सिर्फ एक ये बच्चा गुजरी है, एक लाइन तो पूरी ऑलमोस्ट फुल है भाई अल्हम्दुलिल्लाह, दो एक केज ये खाली और स्टार्टिंग ये के भी खाली नहीं है समीर भाई, एक्चुअली इसमें भी एक ब्लैक कलर का कोटा है, वो उसको थोड़ा बाहर कैसा थोड़ी सर्दी हो गई थी तो ऑब्जर्वेशन में अपन ने थोड़ा सा साइड में रख दिया, दूसरे जानवर को कोई मसला नहीं है, ठीक है माशाल्लाह। ये देखो बकरे जो है, यहाँ पे बकरों की एंट्री चालू हो चुकी है। नदीम भाई अभी कितने केज खाली है? समीर भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपन ने पहला वीडियो बनाए थे उसमें अपन बोले थे कि 50 से 55 केज रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह भी मतलब मोस्ट ऑफ जानवर आके अपने पास अभी फिलहाल 25-30 केज है, 25-30 केज अवेलेबल है। ओके जैसे ये रिक्वायरमेंट अपनी फुलफिल होएगी तो कुछ इसके अंदर 2-3 जानवर अपने शौक के भी है तो वो अपन कूटे पे भी ट्रांसफर कर देंगे, तो वो कूटा सिस्टम भी अपना वो चालू वर्क इन प्रोग्रेस है। सही है, तो जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ ये केज बने नहीं कि एक लाइन फुल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अभी दूसरा दूसरी लाइन फुल होने में मुझे नहीं लगता कि टाइम लगेगा, क्योंकि एक हफ्ते का ही ये पूरा सीन है। पिछले हफ्ते सैटरडे के दिन हम लोग ने शूट किए थे, आज क्या दिन है, आज भी लगता है संडे है ना, 7 days 6 दिन 7 दिन पकड़ लो आप, तो 7 दिन में माशाल्लाह ये चीज इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, तो अगले हफ्ते में तो ये भी फुल होना हो जाएगा भाई अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था समीर भाई कुछ अपने लास्ट ईयर के कस्टमर है तो उनका कैसा है कि अपने से मतलब ट्रस्ट और बिलीफ बहुत अच्छा है उनका, मतलब उन्होंने दे दिया अपने को, बोले भाई ये आपकी चीज है, आप फार्म पे कूटे पे रखो, केज में रखो, जैसा आपको चाहिए बस जानवर सेट होना चाहिए और बनना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट मिलेगा भाई। सही है माशाल्लाह, एक एक बकरे के लिए केजेस के साइज देखो आप लोग, क्या साइज है, मतलब बड़े साइज का अगर बकरा, अच्छी खासी अपन ने कंपैटिबिलिटी दी है भाई समीर भाई, अभी आप दो जो दो बड़े बकरे हम लोग बाहर देख रहे थे वो ये केज में थे, आप देख लो माशाल्लाह केज की साइज देखो आप लोग, मैं थोड़ा सा ये देखो कितना बड़ा केज है माशाल्लाह, डालो उसमें डालो डालो फिरोज भाई, ये अपने मुजीब भाई आ गए, ये देखो कितना बड़ा बकरा है ये देखो एकदम कम्फर्टेबल, ये देखो आराम से इतना बड़ा बकरा एक और आ जाएगा भाई, लेकिन कैसा भाई कि वो एक कोई मतलब कैसा हर चीज मिल जाएगी तो कैसा परफेक्ट रहेगा जानवर, मतलब अगर कोई चीज की तकलीफ कमी नहीं आने प्रॉब्लम नहीं आएगी बकरों को इंशाल्लाह। ये देखो साइज देखो बकरे का, कम से कम ये बकरा 40 की हाइट का होगा, 39 प्लस कंफर्म है समीर भाई, और अच्छे खासे वेट का बकरा है ये भाई, अपना ये मतलब कैसा है बचपन से पाला हुआ जानवर है, अपना होम ब्रीड का बकरा है ये, होम ब्रीड बोले तो बहुत छोटा लाया था समीर भाई, 18-20 किलो का, जब हम लोगों ने ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट किए थे ना समीर, तब लाए थे अपन ये बच्चा, लाए थे मतलब ये होगा मतलब लगभग 1-1 महीने का बच्चा होगा तभी लाए थे, तभी का है ये, और अभी 4 दांत हो चुका है, 14 दांत लगा है, 15 महीने का समझ लो अपने को फार्म को, 15 महीने हो गए तो 15 महीने का माशाल्लाह माशाल्लाह 15 महीने हो गए, और बकरे को भी 15 महीने हो गए, ठीक है हम लोग इस तरफ चलते हैं। नदीम भाई थोड़ा सा एक केज तो दिखाई दिए, सो गाइज ये पूरा केज का सेक्शन हम लोगों ने आपको दिखाया, अब ये जो है खस्सी बकरों का सेक्शन है, तो लास्ट वीडियो में तो हम लोग ने ये सब कुछ दिखाया ही नहीं था, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ खस्सी बकरे भी है, कुछ बच्चे भी है आने वाले सीजन के लिए, समीर भाई अपने सारे होम ब्रीड के बच्चे हैं ये, 5 महीने 6 महीने 7 महीने के, तो आप लोग क्योंकि खुद की ब्रीड के बकरे ये बाहर से अपन ने नहीं मंगाए, नहीं नहीं ये अपने पास ही हुए, अपनी होम ब्रीड के बच्चे हैं। अच्छा ये देखो माशाल्लाह, तो भाई ये जो इनके जो ब्रीडर वगैरह सब अभी अपने पास सेटअप किधर है, ये ब्रीडिंग सेटअप भाई जो अपन ने दिखाया है, ये जितने बकरे देख रहे ना समीर भाई आप, इनका ब्रीडर एक ही है, दिखाएंगे हम लोग वीडियो में, दिखा देंगे तो ये बच्चे में से कुछ अपने को देना दाना है, ये फिलहाल देना है लेकिन कैसा है ना समीर भाई अपन ये लोग के पीछे तैयारी कर रहे हैं, हमको खुद को मालूम करना है कि ये क्योंकि हमारी ये फर्स्ट ब्रीड है, ठीक है तो इस पे रिजल्ट क्या है, हम लोग कितना वर्कआउट करके कितना बेस्ट दे सकते हैं, उस लिए हम लोग ने इनको ईद तक के रुका के रखा है। अच्छा फिलहाल अभी इनका देने का कोई इरादा नहीं है, इंशाल्लाह ये अपन ईद में निकालेंगे भाई, ये देखो माशाल्लाह तैयारी के बाद। सही है ये है पीछे, ये माशाल्लाह पूरा खस्सी का सेक्शन है, ये इनकी अभी रिसेंटली पूरी बाल वाल की खूर वूर की कटिंग हुई है। सही है बाल वाल कटिंग करवा लिया आपने, अभी 10-15 दिन में इनको बाल आ जाएगा तो ठंडी निकल जाएगी थोड़ा ठंड, ये मतलब बकरे भी अच्छे दिखने लगेगी अभी बाल, मेरे को लगता है आजकल में ही कटे हैं बाल, कल हुआ कल ही कटे है ना, ठीक है चलेगा। ये देखो माशाल्लाह ये है क्या ब्रीडर, ये है वो ब्रीडर
भाई तुमने डायलॉग मेरे को फर्स्ट टाइम मारे थे जब मैं विजिट करने आया था, मैंने शूट नहीं किए थे, आपने बताए थे 80 बच्चों का बाप है ये। हाँ हकीकत है, जितनी समीर भाई अपने पास बकरी है ना, 85-90% बकरी को क्रॉसिंग इसी ने किया, इसी ने किया, क्योंकि उस वक्त हमारे पास में कोई दूसरा ब्रीडर ही नहीं था। तो ये जितने बच्चे हैं ये सब इसी के, सब सब जितने बच्चे हैं ये जितने सब जितने माशाल्लाह। समीर भाई ये तो आधे है, फीमेल तो पूरी ऊपर है। अच्छा फीमेल जो आई, अच्छा ये मेल है सिर्फ, ये सिर्फ मेल है। ओके, अगर फीमेल और कुछ बच्चे मेल फीमेल छोटे छोटे और भी अगर वो ऊपर के मैं कैलकुलेट करूँ तो वो कुछ मेरे ख्याल से 50-55 तो वो है माशाल्लाह, और 17-18 ये है। ओके, तो तकरीबन 70-80 बच्चों के लिए ये वन सिंगल पर्सन है। वाह 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 माशाल्लाह, क्या शानदार चीज़ है भाई। तो इसको इधर क्यों रखे, इसको केज में क्यों नहीं रखे अपन ने? नहीं अभी ऊपर थोड़ा सा बकरियों के बाड़े में ना काम चल रहा है, एक बार वो काम फिनिश हो जाएगा ना समीर भाई, तो ये अपने ब्रीडर है जो इसका एक मतलब इसका एक बेटा भी है, तो वो दोनों ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे नहीं रहेंगे। ये हाल फिलहाल के लिए अपन ने यहाँ रखे। सही है, ये क्या एंडुल सेक्शन है क्या? पूरा एंडुल सेक्शन है। क्या है इसको, क्या है इसका नाम हम लोग ने रखे समीर भाई बामसी। क्या नाम है? बामसी नाम रखे। बामसी क्या, बामसी भी थोड़ा करता है, इसको हाथ लगाने की देरी है भाई। माशाल्लाह बहुत एग्रेसिव है ये। जितने जानवर दिख रहे ना, कोई बड़ा जानवर नहीं आया था माशाल्लाह, सब जानवर इधर ही बने हुए हैं। जो भी जानवर आए ना 20-22-25 किलो के अंदर के जानवर आए थे, जो भी और जो बच्चे आए थे, ये इतने जानवर की तैयारी है ना, ये अपन ने खुद ने किया, मतलब पूरा साल से हम लोग यहाँ पर है, और वीडियो मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी वीडियो है। एग्जैक्ट, दो दूसरे चैनल पे आई थी और दो मेरे चैनल पे अभी हो गई, ठीक है। हाँ भाई के चैनल पे हम वो तो सीजन का टाइम का शायद था, अपने छोटे थे चैनल पे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, वही बच्चे अभी बड़े हो गए। ओके ओके ओके, जितने जानवर है ना, ये बोर वगैरह जितने भी है ना, वो छोटे छोटे लेके आए थे हम। पूरे साल हम लोग ने मेहनत करके इनको तैयार किया, हम लोगों ने तैयार किए। इससे क्या हासिल हुआ फिरोज, आप मुझे भाई आप लोगों को क्या समझ में आया? मालूम है क्या, देखो हम लोगों ने शुरू में जो हमारे से भी ऐसा नहीं है क्या भाई, फार्मर हम लोग भी थे, तो हम लोग का ब्रीडिंग सेटअप में भी 75 बकरी एक साथ में, देन उसके बाद में आपका 125-150 बकरे, तो वो सब चीज़ों को कंटिन्यू करने में हम लोग की भी हालत ख़राब हो गई। न्याज भाई आपको बताएंगे, जो ये फार्म के जो ओनर है मेन न्याज भाई, उन्होंने ना हमको बहुत गाइडेंस दिया उसके अंदर, ठीक है ना। और हम लोग को दवा के अंदर माशाल्लाह फैसल भाई, आरके गोट फार्म फैसल भाई ने भी बहुत गाइड किया हमको, क्योंकि हम लोग कहीं नहीं गए थे सिवाय फैसल भाई के फार्म पे, तो फैसल भाई और उनके साथ में उनके जो भाई है उन्होंने हमको मेडिसिन में बहुत सपोर्ट किया माशाल्लाह, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अभी सीखा, तो अभी यही वजह से जब आप आदमी सीखेगा उसके बाद ही में आप उसको प्रमोट कर पाएंगे ना, अभी मैं दूसरे का जानवर ले लूँ और मेरे से बने ही नहीं तो मतलब नहीं है। तो ये मैं रिज़ल्ट दिखाने का वजह ये है मेरी, क्या मतलब देखो ये जानवर हम लोगों ने इस तरीके से तैयार किए, इंशाल्लाह पलाई पे रखो रिज़ल्ट अच्छा देंगे। और ये जानवर अभी हम लोग आगे के वीडियो से हम लोग निकालेंगे, आपके आगे और भी वीडियोस आएगी, कंटिन्यूटी में वीडियोस आएगी, तो ये जानवर अभी नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे बेचने के लिए, ठीक है ना। फिरोज अपना मुजीब भाई, मतलब साल भर आपने ये लेसन मतलब जो ट्रेनिंग थी ये आपकी, अब आपको लगता है कि आप बकरे पलाई पर ले सकते हो? कोई भी फार्मर है ना वो नहीं बोल सकता है, कोई भी फार्मर ये नहीं बोल सकता है क्या मतलब हम लोग मतलब इसमें वेल ट्रेन है, नई नई चीज़ें इसमें आती रहती है, सीखना है, बट ये है क्या मतलब अभी बहुत सारी नॉलेज आ गई है, ठीक है ना। जानवर को क्या बीमारी में क्या इलाज होता है, कैसा बनता है, बाहर से जानवर आता है तो क्या करना चाहिए, सब लोग बोलते हैं लेकिन लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, हम लोग भी किए हैं उसका खामियाजा, हम लोग ने भुगते भी है क्या, बाहर के जानवर लेने में क्या प्रॉब्लम्स आती है, कितना अलग रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो जब हम लोगों ने सीखे तो उसके बाद में ही हम लोगों ने आपने देखे कि आज ही मतलब पलाई सेटअप अपने ये डाला है और आज ही हम लोगों ने बकरे इसमें डाले हैं, इस ये सीखने के बाद ही हम लोग लोगों को अप्रोच कर रहे हैं क्या मतलब आप बकरे रख सकते क्या, और हम लोग तैयारी भी बता रहे हैं माशाल्लाह। सही, तो पूरा साल इन्होंने खुद के बकरों पे, खुद की बकरियों पे, खुद के अपने फार्म की होम ब्रीड के बच्चों पे मेहनत की,
उनके ऊपर क्या क्या मतलब अप एंड डाउन आए, वो सारी चीज़ों पे इन्होंने खुद से मेहनत करके सारी चीज़ें सीखे। ये चीज़ जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बोला था समीर भाई कि हम लोग ने खुद पहले कैसे हम लोग फ्रेशर थे तो हम लोग ने लर्निंग लिया, सीखा, चीज़ों को सीखा। अब हम लोग लगता है परफेक्शन पे है तो हमने ये सारी चीज़ें पलाई वगैरह है, रिजल्ट दिखाने के साथ में हम ये सारी चीज़ें शो कर रहे हैं ताकि लोगों को भी एक कन्फर्मेशन मिले कि भाई हाँ ये भी मतलब एक जेन्युइन फार्म है। सही है, तो इससे ये मैं एक लेसन मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि भाई जो भी मतलब फार्म खोल रहा है और सोचेगा कि पहले दिन ही मेरे पास पलाई आ जाए तो 1000 दिन भूल जाने का फार्म के धंधे में कितने 1000 दिन भूलो, 1000 दिन में आप लॉस अगर बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो और आप में सब में बड़ा सब्र है तो ये धंधा करना, और जो खुद कर सकता है हम लोग बड़ी बात से तो अल्लाह तोबा, ये जितना भी अभी ये पीछे केज बना हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरा दोस्त है फिरोज, आज वो भी आया है, उसने भी बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है ना, क्योंकि वो इंजीनियर है तो उसने पूरा डिज़ाइन वगैरह उसी ने किया है, डिज़ाइन है और कैसा वेट है इसके ऊपर। आप है ना आज के डेट में जो हम लोगों ने केज बनाया ना, 1 टन का लोड एक ले सकता है, एक केज 1000 केजी आप रख के चेक कर सकते हैं, वैसा कैलकुलेशन हम लोगों ने केज बनाए। तो मेरा मैसेज ये है कि जो नए न्यू कमर्स है जो आते हैं फार्म खोलते हैं और एक पलाई की उम्मीद रखते हैं, तो मतलब मेरा बोलना है मतलब कि एक चीज़ ये सारी चीज़ों को आप लोग भी ये करो कि मतलब पहले पूरे तैयार हो जाओ, एक्सपीरियंस लोग अगर फार्म खोल रहे हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है करो, हाँ ठीक है ना। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, जिसने भी सपोर्ट किया है, फैसल भाई, नियाज भाई और अभी हमारे फार्म अशरफ भाई। एक चीज इसमें और ऐड करूंगा भाई, इसमें सपोर्ट में अपने लोग को जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होती है फीड, तो ये चीज में अपने बोबरे कैटल फीड के अपने मेरा चाचू है मुस्तफा भाई है, तो इन्होंने भी हम लोग को बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत मोहब्बत दिखाई, बहुत गाइड किया भाई। स्टार्ट में पहले हम लोग जब उनके पास में गए तो कैसा एक नया रहता तो लोग थोड़ा सा अवॉइड करते कि भाई आएगा इन्फॉर्मेशन लेगा चला जाएगा, तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। महराज चाचू ने तो ऐसा किया है ना समीर भाई, क्या मतलब है ना कि अगर हम लोग को 1,00,000 रुपए की फीड लेनी है और वो बोलते थे कि बेटा रुक जा अगले महीने में इसका रेट कम हो जाएगा, अभी तेरे कितने दिन की चाहिए उतने दिन के लेके जा, इतना गाइडेंस महाराज चाचू ने किया अपने। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो धंधा हो रहा था बट कैसा है क्या मतलब उन्होंने वो चीज़ हम लोग को सिखाई। तुम लोग नए नदीम के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, अपने साथ नहीं है लेकिन नदीम के साथ में माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। माशाल्लाह, तो बोबड़े केटल फिट का भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है माशाल्लाह। सही नदीम भाई, थोड़ा वो बकरे को खड़े करो, ये जितने भी बच्चे हम लोग देख रहे हैं ये वो दो वो जो तीन बच्चे हैं वो तो अपने होम ब्रीड के बच्चे, एक दो तीन सब है। हाँ हाँ ओके, ये बाहर से तो ऐसे हम लोगों ने जानवर मंगा मंगा के ये कन्वर्ट हुआ है पोजीशन पे, आपने माशाल्लाह मेहनत करके लेकर आए। 80-90 किलो पे है और ये इंशाल्लाह समीर भाई जाएंगे 2025 में इंशाल्लाह, इनको अपन डिस्क्लोज करेंगे इंशाल्लाह, तब बनेंगे। ये भी है, ये नेक्स्ट वीडियोस में आपके आएंगे भाई। थोड़ा सा एक ओवरव्यू देते हैं हम लोग इस जगह का, सब अंडुल बकरे हैं यहाँ पर भी, ये देखो ये सब सब पूरा अंडुल वाला। सो गाइस ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पे पूरा इनका कोटा बकरों का बाड़ा है माशाल्लाह। तो ये भी सब अभी अपने यहीं के है नदीम भाई, इसमें ये अपने यहाँ से भाई, ये अपने यहाँ से, हाँ हाँ ठीक है, ये एक अपने यहाँ से, बाकी कुछ जानवर इसमें बाहर से भी है, बाहर से भी हम लोग ने लिए, ये बाहर से आए बट 3 महीना प्लस के जानवर है, फुल्ली वैक्सीनेटेड। समीर भाई एक चीज क्लियर कर देता हूँ क्योंकि हमने वीडियो मतलब बहुत बना लिए, इसमें एक भी जानवर अपने फार्म पे ऐसा नहीं है जो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है। 5 महीने 3 महीने के बच्चे से लेके 8 दांत के जानवर तक एक एक जानवर का कम्प्लीट वैक्सीनेशन स्टेप बाय स्टेप, PPR, FMD, डीवॉर्मिंग, ETTT, ये सारे वैक्सीन हो चुके हैं। और जैसा जैसा जाएगा टाइम अपने पास जानवर रहेंगे तो कंटिन्यूटी में 6 महीना प्लस में जैसा लगता है वैसा होते रहेगा भाई। अपना जो अंडुल ये जो क्या कि ये बाड़ा वाला जो बड़ा ये है बाड़ा का सेक्शन है खसियों के लिए, इसके अंदर कितने बकरे हम लोग ले पाएंगे पलाई पर? समीर भाई ऐसा है ना कि एक बाड़े की अगर मैं सिर्फ एक सिंगल बाड़े की, क्योंकि जितना आपको अंदर दिख रहा उतना बाहर भी है, भी है। हाँ। बराबर है, तो आप 30+ पकड़ लो कि एक बाड़े में कैपेसिटी है। हाँ ठीक है, अपन 30 पकड़ते हैं ना, मेरे को तो ज्यादा लग रही है
लेकिन अपन मिनिमम साइड पे पकड़ कैसा हैवी जानवर का पता है भाई, ये जो है ना यहाँ से लेके वहाँ तक है ना 60 फुट है लास्ट तक जहाँ पे ब्लू ड्रम रखा हुआ है। वो ब्लू ड्रम के आगे देखो वो फेंस ब्लैक कलर का। हाँ ओके ओके। वो फेंस से लेके यहाँ तक है ना ये 60 फुट है, 60x12 का बाड़ा है, 1272 720 स्क्वायर फीट का एक बाड़ा है। ओके तो आप अंदाजा लगा लो 720 स्क्वायर फीट में आराम से मैं समझता हूँ 50 बकरे आएंगे आराम से आ जाएंगे। ठीक है, और बकरों के लिए प्ले एक एरिया अलग है, है ना, यहाँ पे इनको दिन में वो रहेंगे, शाम में उनको फीड होगी या सुबह में जब उनको फीडिंग टाइम होगा तो बकरे बाहर रहेंगे वहाँ पे जो होगा फीड होगा उसके बाद वापस आके यहाँ पे एक्टिविटी एरिया अलग ही है जानवर, है ना, सारी चीज़ों के लिए स्पेस अलग बनाया गया है। तो अच्छे खासे बकरे खस्सी भी हम लोग पलाई पे ले सकते हैं नदीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पलाई का रेट वगैरह पे डिस्कस करते हैं। ये पलाई के बारे में जरा बता दो कि क्या पलाई आप लेने वाले हो। पलाई का ऐसा है ना समीर भाई, खस्सी अंडुल दोनों की सेम पलाई रहेगी 3000 रुपये। खस्सी हो या अंडुल हो 3000 रुपये में आप पालोगे। हाँ, कोई भी वेट करेगा। हाँ ऐसा स्लॉट नहीं है ना कि ये वेट तक भाई का कैसा है ना, देखो जितना छोटा जानवर रहता है ना उस पर मेहनत ज़्यादा होती है क्योंकि वो छोटा है, उसको सेट करने में वेट गेन करने में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी रहती है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये बड़ा जानवर है, सही, इसको मेरे को खाली इसके जो कंप्लीट वैक्सीन है और फीड है और साफ सफाई है इस पर ही ध्यान देना है, लेकिन जो जानवर बाहर से छोटा आता है उसको सेट करने में बहुत वक्त लगता है, बहुत चीज़ें लगती है, बहुत मेडिसिन लगता है, छोटा उसमें एक्सपेंस ज्यादा निकलता है। सही, लेकिन अपन ने कॉमन कर दिया, मतलब छोटा हो बड़ा हो जो भी हो 3000 रुपये कॉमन रेट। हाँ, खस्सी हो या अंडिल 3000 रुपये। और एक स्कीम आप देने वाले हो भाई, दे भाई आप इधर आओ, नदीम भाई के साथ में हो। 11वीं का महीना है माशाल्लाह, ठीक है ना, गौस पाक का महीना है, गौस पाक का महीना है। तो जितने भी पलाई पे जानवर आने वाले हैं 11वीं शरीफ में जो भी जानवर आएगा उस पे 1100 रुपया डिस्काउंट रहेगा फर्स्ट मंथ। 3000 रुपये में 1100 रुपया डिस्काउंट फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ। मतलब अभी जैसे अभी ये वीडियो कल जाएगी लाइव समझो फॉर एग्जाम्पल, तो कब तक के ये स्कीम रहेगी? ये अभी समझो कि आज 10 या 11 तारीख हो गई है तो मतलब 19-20 दिन का ये है। 11 तारीख तो नहीं उर्दू की, चलो एक काम करेंगे जितने भी अपने न्यू कमर्स आ रहे हैं ना उसके लिए फर्स्ट पलाई पे 1100 रुपये डिस्काउंट, पहला महीना 1100 रुपये डिस्काउंट। अब वो चाहे कभी भी आए, कभी भी आए। अच्छा, फर्स्ट कस्टमर, मतलब फर्स्ट कस्टमर मींस कैसा है, अभी वीडियो देखने के बाद जो भी आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, जितनी पलाई आएगी ना भाई, जितनी पलाई आएगी चाहे वो 30 आवे 50 आवे, क्योंकि यहाँ पे भी अपने केजेस बनने वाले हैं इन फ्यूचर में, इनको तो भी 30 आए 50 आए जो भी आए, जो फर्स्ट कस्टमर आएंगे ठीक है ना, वो ये साल के एंड तक का मतलब दिसंबर तक का चलो, ये साल के एंड तक का जो भी कस्टमर आएंगे 1100 रुपये 11वीं के महीने में, फर्स्ट मंथ की पलाई में 1100 रुपये ऑफ, मतलब 1900 रुपये पर मंथ, एक महीने का पड़ेगा पहले मंथ का बस, ये मतलब ये हाँ। ये क्या मतलब 11वीं के महीने में बस, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है चलेगा, आ जाओ बाहर, कुछ मेहमान भी है इनसे भी फीडबैक लेंगे, है ना, और नियाज भाई है हमारे फार्म के ओनर जो है उनसे कुछ फीडबैक लेंगे इनके बारे में। अच्छा आ जाओ नदीम भाई, नियाज भाई को जरा माइक दे दो, उनका फीडबैक सबसे पहले होता है क्योंकि यहीं से जो शुरू हुआ डोरा गोट फार्म यहीं से शुरू हुआ। अच्छा, तो नियाज भाई जी, भाई बताइए कुछ इन लोगों के बारे में, कैसी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, और मेहनत तो माशाल्लाह बहुत अच्छी कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्या लगता है लोग कितने यहाँ पे, कितना लोग का ये होने वाला है यहाँ पे? इनका टारगेट तो लंबा है क्योंकि अपना ब्रीडिंग सेटअप डाल रहे हैं ये, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीड आ रही है इनकी, इनको ये एक साल तकलीफ होगी, बाकी आइंदा साल से तो ये ब्रीडिंग सेटअप भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह पलाई में भी बहुत, और धीरे धीरे ट्रेडिंग भी करेंगे इंशाल्लाह, जैसे क्वालिटी के जानवर हो या फिर जैसे भी हो, तो सब एक से एक है माशाल्लाह, तो लोग देख के ही समझ गए होंगे, पहले वाले में देखेंगे सब क्वालिटी एक नंबर क्वालिटी माशाल्लाह। तो कैसा इन लोगों का व्यवहार आप लोगों के साथ, कैसा चल रहा है? तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सही है ना, चला लेंगे फार्म, चला लिए एक साल तो हो गया, एक साल तो बिना पब्लिसिटी और बिना कुछ किए सिर्फ फार्म को आप लोगों ने सेट किया और ट्रेनिंग ली एक साल, कैसा है ना इसमें अपनी सिर्फ मेहनत है, लेकिन नियाज अंकल जैसे बहुत ऐसे बहुत लोगों के नाम लिए और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने को मतलब रिटर्न में कुछ मिला नहीं लेकिन बहुत सारी चीजें गाइड की हेल्प की, तो अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है लोगों की माशाल्लाह। अशरफ भाई है हमारे साथ, एक फार्म का फीडबैक एक फार्म वाला ही बराबर से दे पाएगा, हालांकि ये तो अभी मुंबई के क्या, मैंने तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के माशाल्लाह बेहतरीन ट्रेडर अल्हम्दुलिल्लाह। तो अशरफ भाई पहले अपने पलाई का सेटअप कर चुके हो? हाँ भाई, एक से दो साल लगभग अपन ने पलाई भी, डेढ़ साल की है ना,
अभी यहाँ पर हम लोग जब इनसे मुजीब भाई से मिले, फिरोज भाई से मिले, एक सफर किए और अच्छा खासा हमारा गेट टुगेदर होता रहता है, बराबर, वो सारी चीजों को देखकर और ये फार्म का सेटअप देखकर आपको क्या लगता है? ना अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी जर्नी है, कितनी दूर तक जाएंगे? बहुत अच्छा फार्म बनाए इन्होंने। अभी मैं तो ये फार्म पे समझो इन्होंने लेने के बाद में 2-3 बार आया समझो, ये दूसरी या तीसरी बार आया, लेकिन ये फार्म तो अभी जैसे अंकल से बात हुई मेरी तो इन्होंने 9 साल पहले से लिए हुए हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पर आए और गए, लेकिन एक वाहिद बंदे ये लोग हैं जो डोरा गोट फार्म वाले, जो 1 साल से सिर्फ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट चल रहा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट चल रहा है और सामने उनका रिजल्ट खड़ा है अपने, ये देखो के ये फार्म जिस दिन ओपन हो उस दिन ये बकरा आया। हाँ, तब से लेके अभी तक मैंने है। पूछा तो कुछ 16-17 महीने का बच्चा है, चौथा दांत अभी निकाल रहा है माशाल्लाह। ये पीछे जितने भी बच्चे खड़े सब होम ब्रीड गए, सब होम ब्रीड गए। ऊपर जितनी भी बकरियां खड़ी है सब ज्यादातर समझो 8 महीना 7 महीना 10 महीना 6 महीना पुरानी बकरियां है, सही है। उनके बच्चों का रिजल्ट भी अपने देख लिए। आदमी पलाई का सेटअप कब चालू करता है? जब वो खुद के बकरे तैयार करता है। पहले उसने खुद के बकरे पे प्रैक्टिस की, बकरों पे उन्होंने 1 साल तक पूरी मेहनत की। जब उनको लगा ऐसा सेटिस्फाई हो गए खुद के, भाई मैं बकरे तैयार कर सकता हूँ, उसके बाद में उन्होंने ये खर्चा किया। माशाल्लाह, सही है। तो पलाई भी बहुत लंबी तक जाने वाली है। हाँ, ब्रीडिंग सेटअप भी बहुत लंबा जाने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह जो इनकी बैकबोन है ना वो बहुत मजबूत है। मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। जो एक आदमी बोलते हैं ना, जैसे मेरे अब्बा मेरे पीछे है कि तू कर मैं बैठा हूँ, वैसे इनके पीछे इनके जो बड़े भाई है मुजीब भाई, उनका फिरोज भाई जो इनके भाई से भी बड़े के एक दोस्त है, वो फिरोज भाई पीछे पीठ बहुत मजबूत है समझे। हाँ। तो नदीम भाई को ना देखते हुए उनके पीछे जो लगे हुए हैं उनको देखो, उनके जो ऑनर बैठे ओनर जो है इनको देखो, और ओनर भी जो है एकदम मतलब मैड एकदम फ्री माइंड है, अभी देखो शौक में भी एकदम अंदर शौक है। नियाज अंकल को देख के मैं मेरे अब्बा को बोलना चाहूंगा कि अब्बा ऐसे फ्री माइंड हो जाओ। अच्छा, इस तरीके के यानी बकरे शौक बोलते ना, शौक तो है लेकिन लड़कों के साथ बैठे, लेकिन हमको ये नहीं है कि कोई बुजुर्ग हमारे साथ बैठे, कितने बड़े इंसान बैठे हुए। हाँ, फ्री माइंड है, जो बात करनी है करो, जो पूछना है पूछो, जिसके जो शौक है वो पूरे करो। बकरों के रिलेटेड पूछो, फार्म के रिलेटेड पूछो, जो भी है सही है। तो इन सबको देखते हुए और नदीम भाई की मेहनत और उनके स्टाफ की मेहनत, सही, और केस जो तैयार किया हमारे आजम भाई ने जोरदार एकदम माशाल्लाह, एक नंबर उनकी मेहनत, क्या बात है। तो ये जर्नी बहुत लंबी जाएगी, जर्नी बहुत, तो इनसे जुड़ो, चलने वाली है। बकरे यहाँ पे पलाय पे दो, जैसे अपन भी भेजेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे बकरे, इंशाल्लाह हो सके मेरा एक बकरा आए यहाँ पर। अच्छा, अभी मैंने आज एक रूल निकाला हूँ के हर फार्म पे मेरा एक एक बकरा पलाय पे रहे। ये कब हुआ? अभी दो एक घंटे पहले तक तो कुछ भी नहीं था। ये कब हुआ? दोपहर में ही सोचा मैंने। अच्छा, क्या होगा जब हर जगह पे मेरे खुद के बकरे रहेंगे ना, तो मैं बेधड़क जा सकूंगा, मेरे जो यहाँ से बकरे बिकेंगे, जो फार्म का अच्छा रिजल्ट रहेगा ना, वहाँ पे मैं बकरे ज्यादा भेजूंगा बेशक पलाई। क्या बात है। तो भाई साहब का तो रिजल्ट एक नंबर था ARK का, तो मैंने फार्म अल्हम्दुलिल्लाह बकरे भेजा मैंने और अल्लाह ताला ने सब फूल करवा दिया, बकरे बेचा मैंने। हां, बकरे आपने बेचे, इनके पास गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनसे जुड़ो और 11वीं शरीफ का महीना 1100 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है माशाल्लाह। धपा धप बकरे आने दो। सही है। अभी शफीक भाई हमारे साथ है। शफीक भाई जो उन्होंने बोले सेम मत बोलना, कुछ भी कुछ अलग बोलना। अभी आया भाई, मेरे को कुछ नहीं मालूम क्या बोले। तो एक ओवरऑल व्यू तो ले लिए ना तुमने, तुम अभी आए लेकिन फार्म तो घूम ही लिए। जी जी जी। क्या लगा आपको फार्म? माशाल्लाह, मैं केज देखा सिर्फ। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ गया, शक्ल से मालूम पड़ रहा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह शक्ल बहुत अच्छा लगा, एक्सप्रेशन समझ में आ गया कि केज देखकर साइज बहुत अच्छी है जी, और 4.5x5 बहुत बड़ी साइज के केज, बहुत अच्छे बड़े केज है बकरों को, मतलब अंदर भी कंफर्ट जोन रहेगा, एकदम कंफर्ट जोन, बड़े बकरे भी अच्छे से कंफर्ट जोन। तुम्हारा फार्म अभी फुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जो बकरे आने हैं अगवान से अगर आए, भाई देखो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग भी चालू है मेरे अभी। हाँ हाँ, मैं भी रिकमेंड करता हूँ। वाह 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 माशाल्लाह, रिकमेंड करता हूँ। तो भाई जिधर हम लोग, मैं इधर मेरे को आने में ना रोके ना टोके, सही है, मैं कभी भी आ सकता हूँ और कुछ भी रहेगा तो जेन्युइन जो भी चीज रहेगी वो भाई भी बताएगी, भाई शफीक भाई बकरा XYZ आया, सही है, कस्टमर को भी क्लियर रहेगा, मेरे को भी क्लियर रहेगा, सही है। और जैसे अशरफ भाई हर टाइम बोलते हैं क्या मेरे यहाँ से जहाँ बकरे जाते हैं उनको कॉन्टेक्ट रहता है क्या बकरे क्या ग्रोथ पे अपडेट रहती है, अपडेट रहती है, तो वो चीज़ अपडेट रहेगी तो भाई
भाई भी हम लोग को भी सब बोल सकते ना क्या भाई मेरे यहाँ से बकरा इधर गया, ग्रोथ है, क्वालिटी है, चीज है, तो वो सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट रहेगा। और भाई के पास वो क्वालिटी पहले से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। बेचेंगे भी, ट्रेडिंग भी करेंगे, बकरे बेचेंगे भी, यहाँ पे बच्चे पैदा भी होएंगे, यहाँ बड़े भी होएंगे, यहाँ से बिकेगी भी और लोगों के बकरे यहाँ पलेंगे भी इंशाल्लाह, सब करेंगे। सही है, एक प्लेटफॉर्म पे तीनों काम होगा इंशाल्लाह, तीनों काम होगा। हाँ, और ये साल जो भाई के पास माल उतरने वाला है बकरीद का, वो तो एक नंबर क्वालिटी का माल, जो आठ वाड़े में से जो दो वाड़े आएंगे इधर टॉप क्वालिटी का माल है। बोले तुमने सस्पेंस खोल दी है, सस्पेंस रख के कुछ मतलब ही नहीं ना भाई, बुकिंग चालू करो, सबको पता है, बुकिंग चालू करो, है ना। हाँ, बुकिंग चालू, आपने आरके के वीडियो में बोल दिया है, आपने ARK की वीडियो में बोल दिए, वहाँ फलोदी में डोरा पे माल जाने वाला है, डोरा पे माल बिक सकता है, ऐसा कुछ मैंने बोला था, ये बोल दिया था, हिंट वही दे दिए थे वीडियो में कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह है ARK से पूरा माल खत्म हो गया माशाल्लाह। फर्स्ट ईयर था और 150 बकरे बेचना भाई आसान टास्क नहीं है। न्याज भाई ने माशाल्लाह बहुत कस्टमर भेजे बम्बई से, मदनपुरा, हमारा बोलता जे नागपाड़ा साइड के, साउथ मुंबई के बहुत कस्टमर जुड़े, काफी लोग जुड़े। अच्छा, माशाल्लाह दुआ करो भाई, सही है, और भी लोग जुड़े और क्वालिटी में माल बेचेंगे भाई, क्वालिटी में बेचेंगे, ही काम करेंगे। सही है, आप सामने देख रहे बच्चों की ग्रोथ, क्वालिटी में ही काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो और कुछ बोलना चाहेंगे नदीम भाई? फिरोज भाई बैठे यार, फिरोज भाई, भाई मेरा ओनर है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना, वो उसी का धंधा है, ठीक है, जो है जिसको भी कांटेक्ट करना है, जो भी करना है वो नदीम से कांटेक्ट करे। हम लोग तो कल ही क्या है, सैटरडे संडे आते, ये मेरे साथ आ जाता है, फिरोज मेरा दोस्त है, इसके खुद के मतलब मैं समझता हूँ 7-8 बकरे इधर पे है, पल रहे हैं, लेकिन फिरोज भाई का भी मतलब इसमें बहुत अच्छे अपनी सपोर्ट बहुत ज्यादा है, मैं रहूंगा वहाँ वो रहेगा, बस ये बात समझ के चलो। आप जिसम में तो वो परछाई, हाँ बस वो हम लोग दो जिसम में जा, जो अलाइनमेंट में आपको दी गई है सब इंजीनियर है वो। अच्छा अच्छा, जितना भी काम दिया है, दो 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 इंजीनियर साहब यही है माशाल्लाह। हाँ, तो बोला ना वो जो केज बना है ना भाई, एक टन का उसका कैलकुलेशन है, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर है माशाल्लाह। तो फिरोज भाई, हाँ, तुमने तो आजम भाई के पेट में लात मार दी है। नहीं नहीं, आजम भाई बेसिकली फैब्रिकेटर है, अगर इनकेस इनकेस डिटेलिंग जो भी होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देता हूँ इंशाल्लाह। देखो ये केस तो लोगों ने देख लिए, अगर ये केस देखने के बाद कोई कॉल करता है भाई फिरोज भाई हमारे फार्म को भी थोड़ा डिजाइन कर दो, तो पर्सनल पे कॉल करेंगे पर्सनल नदीम भाई से कॉल करके गाइडेंस तुमको दे देंगे, फैब्रिकेटर हमारा साथ में बैठा भाई, केज तुम लोगों ने देख लिए, क्वालिटी देख लिए, वेट कैपेसिटी देख लिए, सब कुछ तुम लोगों ने देख लिए, ठीक है ना, और वो सारी चीजें मतलब वो गाइडेंस हो जाएगा, लेकिन पर्सनल पे परेशान नहीं करना का भाई, ये नहीं, ये सब नहीं भी काम करते हैं भाई, बात करेंगे तो काम की बात होगी, अगर किसी को केज बनाना है तो सीरियसली बात करे, वरना ये इतना लू क्या उतना लू क्या ये सब नहीं वो फार्म भी पूरा डेवलप करना है ना, तो वो भी हम लोग कर देंगे अभी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपने अशरफ भाई के यहाँ का थोड़ा सा काम चालू होने वाला है इंशाल्लाह, अगले वीक में काम हो जाएगा इंशाल्लाह, वो भी हम लोग दिखाएंगे, वो भी फिरोज भाई ने कारनामा अंजाम दिए है इंशाल्लाह, देखेंगे जब बन जाएगा तो वीडियो में खुद ही आ जाएगा, वो भी दिखा देंगे, वो भी लोगों को दिख जाएगा इंशाल्लाह। सही है सही है, तो नदीम भाई ये वीडियो को क्लोज करें भाई लोग, हाँ काफी अच्छी वीडियो बनी और काफी मजा आया, सो गाइस ये वीडियो को क्लोज करते हैं, नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर नदीम भाई का दे दूंगा, अगले मतलब दिसंबर की एंड तक जो भी कस्टमर पलाई पे बकरा देगा उसको फर्स्ट मंथ 1100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट मंथ में, मतलब पहले महीने की पलाई 1900 रुपये लगेगी, ठीक है। अगर नदीम भाई जो पलाई हम लोग चार्ज कर रहे हैं इसमें वैक्सीनेशन, खुर कटिंग और हेयर कटिंग सब इंक्लूडेड, ऑल इंक्लूडेड, इसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कुछ कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो को क्लोज करते हैं, है ना, हाँ, मोर्टेलिटी नो गारंटी और सिंग, हाँ सिंग का कैसा है कि इसका भी थोड़ा सा रहता है भाई, जानवर हम लोग पूरा ट्राई करते हैं कि चीज़ें प्रॉपर रहे उसके साथ में, लेकिन कुछ जानवर होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं भाई, तो उसमें सिंग के इंटैक रहना मतलब चांसेस पूरे रहते हैं, लेकिन कुछ 100 में 1 या 2 केसेस ऐसे होते हैं तो उस पर भी वो चीज़ें हम लोग कवर नहीं करेंगे, ठीक। हाँ वो तो पूरा ध्यान उसी के ऊपर रख के किया गया, फिर भी
फिर भी अगर 1% भी ऐसा हो गया तो उसकी भी अपनी कोई जिम्मेदारी। समीर भाई ये फैक्ट चीज़ है, ये कोई भी फार्म पे अगर 50 जानवर है तो उसमें एकाध मतलब ऐसा एग्रेसिव होता है जो मतलब आप कितना भी कर लो वो करेगा ही, तो वो चीज़ पे अपना वो ही नहीं, काबू नहीं है अपना उसके ऊपर। सही है, तो ये वीडियो को क्लोज करते हैं। जी जी, नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर नदीम भाई का दे दूंगा, पलाई से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी करनी है आप लोग नदीम भाई से कर सकते हैं। रेट वगैरह तो हमने बता ही दिया, आप आओ फार्म पे विजिट करो, इनको भी पलाई दो। इंशाल्लाह शफीक भाई सपोर्ट कर रहे हैं, अशरफ भाई भी सपोर्ट के लिए एकदम तट पे खड़े हैं, और नदीम भाई लोग ने तो माशाल्लाह परचम गाड़ दिया है माशाल्लाह। इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में भी काफ़ी सारा अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे डोरा गोट फार्म से। अच्छा और क्वालिटी में ही काम होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो ये वीडियो क्लोज करते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।